हमारी सरकार बनती है और हम विधायक बनते हैं तो आने वाले सरकार आने वाले समय में भाषणबाजी नहीं करेंगे, ना इंटरव्यूबाजी, सिर्फ काम करेंगे, लोगों के काम करेंगे, जनहित के काम करेंगे, पंचायत के काम करेंगे, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों की भलाई के काम करेंगे, सिर्फ सिर्फ काम करेंगे। रौदा हल्का में जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण हुड्डा MLA थे, जिस सरपंच ने 50 लाख रुपए की कही तो उस सरपंच को 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, कहीं 5 करोड़ रुपए, कहीं 10 करोड़ रुपए हर पंचायत को पैसे देने का काम कराया। फ्री सेवा में भी फ्री दवाई फ्री और अटका फिर MLA बन जाइयो। अच्छा। बनाएंगे अगर इनको टिकट मिल जाएगी, नहीं हमारी बदकिस्मती से हल्के की अब टिकट ही नहीं मिली, उनके दूसरे हल्के के भी लोग काम कराए हैं, मून बरगा देव देवता की सम्मान मानते कृष्ण हुड्डा जी को। अच्छा आदमी है, किसी टाइम इनके पास आधी रात न भी फोन करो तो भी फोन उठाएंगे। अच्छा। बात करते हैं, उसकी सुनते हैं, उसका हल भी करते हैं। अच्छा। आज भी करते हैं जो बहुत देवता आदमी, श्री कृष्ण हुड्डा जी भी बहुत काम करिए हमारे हल्के में। इससे टिकट दे दो, जिताए जाएंगे पार मारेंगे इसने। अच्छा। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मऊ आपके साथ रूण दून। इस वक्त हम बरोदा हल्का के गंगाणा गांव में मौजूद है। यहाँ से बरोदा हल्का से 3 बार विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीते हुड्डा ने आंखों का कैंप लगाया हुआ है और वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। भाई साहब, बरोदा हल्का में लगातार आप पूर्व मंत्री श्री कृष्ण हुड्डा की याद में आंखों के कैंप लगा रहे हैं। अब पहले आपने बरोदा लगा, आप गंगाणा गांव में भी लगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लगा रहे हैं और ये लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं, बरोदा हल्का के लोगों की सेवा भावना के लिए। जिस प्रकार विधायक श्री कृष्ण हुड्डा ने बरोदा हल्के की 3 बार विधायक बनकर सेवा करी थी, तो आप भी अपना फर्ज निभा रहे हैं बरोदा हल्के की सेवा। देखो, बरोदा हल्का ने 3 बार मेरे पिताजी को विधायक बनाया, बरोदा हल्का की 36 बिरादरी की जनता का हम एहसानमंद हैं और 3 बार जो विधायक बनाया इसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। हाँ, इस तरह की सेवा करके कोशिश कर सकते हैं कि लोगों की सेवा करें और लोगों के लिए काम आए। आधी रात ने भी अगर बरोदा हल्का का आदमी हमारे को पुकारेगा तो आधी रात ने भी हम बरोदा हल्का के लोगों के लिए खड़े पाएंगे। तो यूँ तो आप दिखाई दे रहे हैं आप बरोदा हल्का के लिए, आप भी सेवा में लगातार हाजिर हो, जिस तरह बरोदा हल्का में आप सक्रिय रूप से कैंप लगा लग रहे हो और भी दूसरे सामाजिक काम है उनमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। बिल्कुल बिल्कुल, 36 बिरादरी की कहीं दुख में सुख में जहाँ भी पता चलता है हर जगह हम पहुँचते हैं और आने वाले समय में बरोदा हल्का से ही MLA का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। भाई जीते हुड्डा, आपका परिवार है एक राजनीतिक परिवार भी, आपने चुनाव की बात करी, भूपेंद्र हुड्डा ही सरकार थी, श्री कृष्ण हुड्डा विधायक थे, तो बरोदा हल्के में किस प्रकार के काम हुए थे? बरोदा हल्का में जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण हुड्डा MLA थे, जिस सरपंच ने 50 लाख रुपए की कही तो उस सरपंच को 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, कहीं 5 करोड़ रुपए, कहीं 10 करोड़ रुपए हर पंचायत को पैसे देने का काम कराया। और बरोदा हल्का के अंदर जब हम आए तो एक फेस में भी बिजली नहीं आती थी। बिजली कैसे है, यहाँ पावर हाउस ही नहीं थे। 12 नए पावर हाउस बनवाने का काम कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया और बरोदा हल्का के गाँव टू गाँव 18-18 फुट चौड़े रोड बनाने का काम किया। आज उन रोडों का इतना बुरा हाल है कि वहाँ से 20 की स्पीड से गाड़ी नहीं चलती। मैं तो इस सरकार से एक अपील करता हूँ, कांग्रेस के सरकार में जो रोड बनाए गए थे कम से कम उन पर थेगड़ी लगाने का तो काम ये सरकार करे। आपका कहना है भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में विधायक जी श्री कृष्ण हुड्डा ने बहुत काम करवाए, अब 8.5 साल से खट्टर की सरकार है, तभी बुरे किस प्रकार देख रहे हैं विकास के मामले में? अब आप गंगाणा से जाना और गंगाणा से सड़क पर जाओगे तो रोड पर आपको पता चल जाएगा कैसा विकास है। पिंडी पिंडी गोड्डे गोड्डे खड्डे हैं, खेड़ा खेड़ी जाओ, जहाँ भी आप देखोगे बरोदा हल्का का बुरा हाल है और 36 बिरादरी के लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। 36 बिरादरी के लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार बदली जाए और कांग्रेस की सरकार ले आई। हमारे साथ ही गंगाणा गांव के और भी ग्रामीण मौजूद हैं, क्या नाम भाई साहब? राकेश। राकेश, जितने हुड्डा ने लगा जिस तरह आपके गांव में कैंप लगाया है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, ऐसा काम भाई साहब लगाते रहो, भगवान इसकी उम्र लंबी दे। हमारे जो बहुत देवता आदमी श्री कृष्ण हुड्डा जी भी बहुत काम करे हमारे हल्के में, सारी अच्छी चौपाट बनवाई, जनरल चौपाट बनवाई, सारी गलियां बनवाई, बहुत गड़े काम कराए, नौकरी भी बहुत दुआई हैं। अब नौकरी नहीं, प्रेस नहीं, लाना नहीं, देना नहीं, सड़क नहीं, कुछ नहीं। आपने कहा बस श्री कृष्ण हुड्डा बहुत बड़ी आदमी थे, तो जीता हुड्डा किस आदमी है? यू भी उसका बद कह है, क्यों कर बद गया उसने? इससे टिकट दे दो, जिता जाएंगे पार मारेंगे इसने। अच्छा भाई साहब, ये अपील कराएं, एक बार टिकट ले आओ, एक तरफा जता देंगे।
आपका क्या नाम है जी? सत्यवान। आज आपके गांव में कैंप लाया है श्री कृष्ण उड्डा, जो पूर्व विधायक थे उनके बेटे जीते उड्डा ने, तो क्या कहना चाहोगे? इसने बहुत बढ़िया काम करे है, हमारे विधायक जी तो बहुत बढ़िया किया कर दे। अच्छा, ये उनसे कम नहीं रहने वाला। अच्छा, अच्छा आदमी है, किसी टाइम इनके पास आधी रात न भी फोन करो तो भी फोन उठाएंगे। अच्छा। बात करते हैं, उसकी सुनते हैं, उसका हल भी करते हैं। अच्छा। आज भी करते हैं। आप गंगाने गाँव के पूर्व सरपंच हैं, क्या नाम है? सत्यवान। तो ग्रांट वरांट आगे बताओ उस टाइम में किस प्रकार आप? जी सर भी ने कह दिया या चीज चाहिए उसको दो तीन गुना फालतू दिया कर दे। अच्छा। और रही बात नौकरियां की, इतनी नौकरी जो हमारा उस टाइम में लगी है 5 साल में, आज तक तो लगी नहीं। अच्छा। कोई और किसी का एक पैसा नहीं ले रखा। उनका बेटा जीता उड्डा के रहेगा, उनका आगे चल गया किसा के पा होगा, वो के उम्मीद ले रहे हो? उस सबर का है मेरा हमने तो। अच्छा। उससे बरगाजने का नहीं उतरेगा, काम कुमा बेटा भर देगा, जमा दा ना भरेगा तो भरा लेंगे, नहीं बताऊंगा हमारा। अच्छा, आपका क्या नाम है? दानंद। अच्छा, आप भी गंगाने काम तो क्या कहना चाहोगे जी, जो क्या कैंप लाया जीते उड्डा ने? हमने कहना चाहवांगे, हमने कांग्रेस का राज चाहिए आगे। अच्छा। राजा रहा नहीं थी, जो गट्टा पीट दिया दुनिया, पीट दिया गट्टा इस राज ने, छोटे कागज़ पूरे नहीं होंगे उनके। अच्छा। आज फलानी चीज लिया, आज दकड़ी चीज लिया, सारा कती फांसी तोड़ रखे लोग। अच्छा, कांग्रेस के MLA थे श्री कृष्ण उड्डा, तीन बड़े वो किसा था? बहुत बढ़िया मानस था, बहुत घने काम करे है, कोई किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। कोई भाई है जो उसने भी बढ़िया कोशिश कर रहा है, खूब सेवा पर। जिला पार्षद है राजेश गंगाणा भी कैंप में पहुंचे हुए हैं, तो आज भाई साहब पूरा विधायक श्री कृष्ण उड्डा याद में जो जीते उड्डाना है गंगाणा गांव में कैंप लगाया, क्या कहना चाहिए? राम राम भाई साहब। जो ये भाई साहब जीता ने ये गंगाणा गांव में कैंप लगाया हमारे ताऊ श्री कृष्ण उड्डा की याद में, और जो विरोध हल्का से 3 बार विधायक रहे, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है भाई साहब ने, सामाजिक प्रोग्राम है। अच्छा। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो आर्थिक तंगी से 36 जात में जो कमजोर आदमी है ने, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। और भाई साहब ने पाछे विरोध दल आज गंगाणा आगे फिर पूरा रकम लाओगे, और पूरा विरोध दल ने सामाजिक बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है, सबसे आर्थिक जो रूप से कमजोर आदमी सबने फायदा होगा। गाँव के सरपंच है, क्या नाम है सरपंच साहब? सतवीर सिंह सर। आपके गांव में कैंप लाया है जीते उड्डा ने, श्री कृष्ण उड्डा के बेटे हैं जो, तो क्या कहना चाहोगे? मैं इसके बारे में भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आगे भी आशा करता हूं भाई साहब से, मतलब सरपंच होने के नाते मतलब पब्लिक की देश सेवा की करता रहे, भाई का बहुत बहुत सुझाव अच्छे हैं। पूरा हंगा ला देंगे आगे। अच्छा, कितना हंगा लाओगे? जमा टूटन का ला देंगे। अच्छा, मौका मिल गया छोड़ दिया, जिताए देंगे। कितनी आपका? मेरा नाम कृष्ण जी है, धन्यवाद आपका। अच्छा, कौन से गांव के हो? इससे गांव के। तो यू कैंप लाया है जीते उड्डाने के, कहोगे? ये जनता भला कर दे रहे, पहले भी करे रहे, आगे भी करेंगे। बाकी हमारे ताऊ देवीलाल थे ने, देवीलाल भी बुला दिया। अच्छा। इनके पिताजी ने हमारे लिए, वो बुजुर्ग आदमी देवता के समान मन हर दिया। अच्छा। अगर इनको टिकट मिल जाएगी ये हमारी बदकिस्मती से हल्के की। अच्छा। अब टिकट नहीं मिली, उनके दूसरे हल्के के भी लोग काम कराए हैं, उन बरगा देवता के समान मानते कृष्ण उड्डा जी को। क्या नाम है आपका? राम सिंह है। कैंप मारे थे आंख दिखाने। हाँ। जीते उड्डा ने कैंप ला रखा, क्या कहोगे? बड़ा अच्छा काम करिया है यू। अच्छा। हाँ। चश्मे भी मिल गए? मिल गए। क्या खर्चा पानी भी आया है? क्या फ्री में दे दिए? ना फ्री में दिए, या तो फ्री सेवा है, फ्री सेवा कर रहा है। हाँ। तो किसा है जीता, किसा बालक से है? ठीक से, इसका बाप भी ठीक था, यू भी ठीक से। कैसी बीमारी खड़ी करी गई है, 3-4 बरस हो लिया मार गई, इसके कार्ड पूरे होते नहीं, पूंजीकरण पूरी होती नहीं, छता भी ने जिसके ना करवाई उसके उल्टी ट्रेली आएगी है दाने की। अच्छा। हाँ, इसका तो लहू पी लिया थी तो नाथ गाल थी कसूती कम है। ईश्वर ईश्वर। हाँ, क्या करोगे? उसकी जीतता की देंगे हम तो, 3 रुपये बना रहे, चौथा बेर बनावाएंगे। आज कैंप ला रखा है, ये लोग फायदा करने खातिर ला रखा है। फायदा हो भी रहा है? खूब हो रहा, सब किसी ने चश्मा मिले, किसी ने आँख बने, किसी ने दवाई मिले, किसी ने किमें मिले, किसी ने खाना खा रहा, कोई किमें कर रहा है। अच्छा। हाँ, मौजूरी है, बताओ और क्या करेगा? क्या नाम आपका? मेरा मूर्ति नाम बेटा। गंगाणा दे हो? हाँ। अच्छा, अरे
आग दिखाना आगे के हाँ आंख दिखाना आगे भाई आंख दिखाना आगे हाँ तो यू कैंप ला रहे क्या जीते ने के को हो गए के फायदा हो रहा इसका के फायदा बेटा हमारी सब की आंख दिखा दी दुआई दे दी चश्मा दे दिया और बहुत बढ़िया काम करता आ रहा है और भी बढ़िया ही करेगा ये चश्मे क्यों कर फ्री में दिए के में खर्चा पानी आ ना फ्री में दिए बेटा कुछ भी खर्चा नहीं लाया हमारा राख बनवा के लिया होगा बजेरी बस भर के जाओगी बस भर के जाओगी हाँ यू की साख से जीता उड्डा घना बढ़िया बेटा गड़े बढ़िया काम करदार कर और भी करेगा अच्छा। भी करेगा आपका क्या नाम है संतोष है आप भी आगे दिखाना आगे तो दिखा ली नाइफ दिखाऊंगी दिखाओगी तो यू जो कैंप लाग रहा है इसका कैंप फायदा हो रहा है सारा ही फायदा है बेटा बढ़िया फायदा विरोधी हल्के तैयार भाई बतेरी को सामद कर रहा है सेवा कर रहा है आँख भी बनवाओगा अच्छा। और फ्री में ले जान लाग रहा फ्री में चढ़वान लाग रहा इतने बढ़िया काम कर रहे होता है भाई आगे चंद बनाएंगे सुनीता गंगाने काम तो हो हाँ यू कैंप लाग रहा क्या कहना चाहोगे इसमें न्यू कहना चाहोगे हमारी बहुत बढ़िया आँख बनेंगी अच्छा। और दुआई भी बढ़िया देगा और फ्री आँख बनेंगी फ्री दुआई देगा चश्मे देगा अच्छा। और जीता सही अमेले है उसका यू भी अमेले बनना चाहिए अच्छा हाँ और फ्री बढ़िया आँख बनेंगे आपका क्या नाम है प्रकाशी जी तो आप क्या कहना चाहोगे यू कैंप लाग रहे आपके गाँव में जीते उड़ान कैंप लगा रहे क्या हम न्यू चाहे हैं हमारी फ्री सेवा चश्मे भी फ्री दवाई फ्री और अटका फिर हमें ले बन जाइयो अच्छा आँख फ्री बना हमारी बढ़िया सेवा कर रहा है किसा का आदमी है यू बढ़िया गणा बढ़िया आदमी है भाई कति जम